बिल्कुल भी नहीं, इधर तो बिल्कुल नहीं जाना चीकू ने। नो 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 मींस नो, कम सिट सिट चीकू सिट। शाबाश शाबाश। हेलो कर, हेलो हेलो चीकू। नो नो, हेलो 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 चीकू। शाबाश शाबाश, ये गुड डॉग है, ये तो राजा बेटा ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं, आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह हो चुकी है और ये हमारा चीकू वहां सीढ़ी पे बस यहाँ सोएगा। अभी कर लेते हैं बेडरूम की क्लीनिंग। और आज नाश्ता आया था बाहर से, इडली सांभर नारियल की चटनी मेंदू बड़ा, ये सब ना हस्बैंड लेके आए थे। वो बाहर गए थे किसी काम से। तो चीकू ऊपर नहीं जाना है, कहाँ है ये ऊपर क्या हो रहा है? चलो गेट डाउन, नीचे आओ नीचे नीचे। शाबाश शाबाश, नीचे आओ नीचे आओ। शाबाश, आज 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 मेरे राजा बेटा है, राजा बेटा है, राजा बेटा, राजा बेटा। शाबाश शाबाश। आज 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 शाबाश। गुड डॉग है, गुड डॉग। हे प्रभु, कितना पीपिया करता है ये लड़का। सब्जी में छौंक लगा लिया मैंने और अभी आटा लगाना बाकी है, तो आटा लगाऊंगी। चीकू अभी सो रहा है देखिए, और बस साफ सफाई भी हो गई है, डस्टिंग बाकी है मेरी अभी, और क्लीनिंग हो गई है, डस्टिंग करनी बाकी है, तो डस्टिंग करूंगी और उसके बाद फिर जाऊंगी शावर लेने के लिए।
सब वैसे साफ सफाई बहुत अच्छी से हो गई है, ड्राइंग रूम पूरा एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया, बस डस्टिंग करनी बाकी है यहाँ का। ये जो फ्रिज का एरिया है ये पूरा साफ करना है, बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी, ये सारा साफ करूँगी। और बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिया है, सब्जी थोड़ी सी गोभी मैंने बचा के रख ली है ये, तो इसके मैं जो है कल पराठे बनाऊँगी। और बाकी सारे काम खत्म हो गए हैं मेरे, पास आटा लगाने के बाद शावर लूँगी, फिर उसके बाद डस्टिंग करूँगी। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बेल को ना ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को एंजॉय करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो लंच भी मेरा बनके तैयार हो गया था, आटा भी सब मैंने लगा के रख लिया था, ऑलमोस्ट मैंने जो है किचन पूरा क्लीन कर लिया था, और अब मैं उसके बाद कर रही हूँ फ्रिज के ऊपर की साफ़ सफाई। जो सारा सामान है ना उसको हटाने के बाद फिर जो नीचे का पोर्शन है फ्रिज का उसको कॉलिन से साफ़ करूँगी, और सारा जो कपड़ा बिछाया हुआ ना उसके ऊपर, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मटेरियल भी है, और जो ऊपर सामान रखा है उसको सारे को क्लीन करके अच्छे से ना डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ मैं, उसके बाद फिर सारा सामान वापस रीअरेंज करने वाली हूँ मैं। और कुछ ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है क्योंकि बीच बीच में ना चीकू उठ के आ जाता है, तो उसके साथ भी खेलना पड़ता है, उसको भी केयर करनी पड़ती है, उसकी कुछ खाने के लिए भी देना पड़ता है उसको बीच बीच में, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा। अभी मैंने ना सारे फ्रिज की साफ सफाई अच्छे से कर ली है, और थोड़ा ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है इसको साफ करना ही पड़ता है ऊपर से, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जब खाना बनाते हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद इस तरह से साफ कर लो ना तो अच्छा रहता है, चिपचिपाहट नहीं होती है ऊपर से, और कॉलिंग से बहुत जल्दी साफ हो जाता है। इसकी साइड का जो है ना ये वाला पोर्शन जो है इसका, इसके ऊपर एक मतलब कुछ कपड़े जैसी शीट चढ़ी हुई है, तो बहुत इजी ना वो कॉलिंग से साफ़ हो जाता है, तो बस थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और ये ट्रे के अंदर मैंने थोड़ा सामान रखा हुआ है तो वो सब भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब हफ्ते में 15 दिन में इस तरह से क्लीनिंग कर लेते तो अच्छा रहता है, और नहीं तो फिर ज़्यादा ही चिपचिपा होने लग जाता है तो बहुत गंदा लगता है, हाथ लगाने का मन भी नहीं करता है सामान को। साफ़ कर लिया, अब मैं जाती हूँ ड्राइंग रूम में, थोड़ा सा सोफे की क्लीनिंग करनी है और सेंटर टेबल है उसकी, और बाकी तो ऑलमोस्ट मेरा हो गया, बस इसके बाद जाऊँगी शावर लेने, सब्जी भी मेरी बनके तैयार हो गई है और आटा भी मैंने लगा लिया है, तो ये सारे काम मेरे जो है फिनिश हो गए हैं। और इसको भी मैं जो है कॉलिन से साफ़ करने वाली हूँ, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, शाइन भी बहुत अच्छी आती है कॉलिन से क्लीन करने के बाद ना, और वैसे ना मतलब जिस जहाँ से हमने लिया था उस शॉप वाले ने बोला था कि इसको ऐसे ही कॉलिन से साफ़ करोगे तो इसकी शाइन बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और जो इसका रेगजिन है ना वो भी ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए मैंने बस एक यही डिसाइड किया है कि 15 दिन 1 महीने के बाद ना इसको इस तरह से कॉलिन से क्लीन कर दूँगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मतलब इसकी ज़्यादा लाइफ रहेगी, तो बस उसी तरह से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और डेली मैं जो इसको कपड़े से साफ़ कर देती हूँ तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है ये।
ड्राइंग रूम की भी बढ़िया से क्लीनिंग हो गई आज और काफ़ी दिनों के बाद हुई है। और कॉलिन से ना बहुत आसानी से बहुत इजी क्लीनिंग हो जाती है। तो चलिए अभी जो है मैं शावर ले लेती हूँ, थक भी गई हूँ वैसे बहुत ज़्यादा, हालत भी बहुत ख़राब हो गई है अभी तो। और टाइम अभी ना ओ माय गॉड 12:15 हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और अभी जी कुछ सो रहा है तो फटाफट से शावर लेके आती हूँ। हस्बैंड गए हैं बाहर काम से, गए हैं वो, उनको थोड़ा काम है तो 1-1.5 घंटे में वापस आएंगे। तब तक जो है मैं शावर भी ले लूँगी और थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी चाहिए क्योंकि सुबह के लगे लगे ना बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं। अभी शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो इसके साथ ही इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।